तो बहुत ही अच्छा मॉल है। नाइस, इम्प्रेसिव। हेलो शिल्पा जी, और ये हैं हमारे अनिरुद्ध भाई, रोहित शूट वाले। तो दोस्तों, अपना अभी आज एकदम से दिल्ली जाने का प्लान बन गया है। तो अभी हमने अमृतसर से लंच कर लिया है अपना, तो अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन ऑफ अमृतसर, एंड वहाँ से अपनी ट्रेन है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से अपनी ये 4:50 की ट्रेन है, जन शताब्दी। तो अभी हम रात को पहुंच जाएंगे 11 बजे के आसपास। तो आप मेरे चेहरे की हालत से देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है, पसीनों पसीन हुए पड़े हैं। अभी ये अपना कोच आ चुका है C5। तो अभी हम अंदर अपनी सीट पे बैठते हैं एंड मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, अभी हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। बाहर इतनी गर्मी है और यहाँ पे आके पहले हमने थोड़ा सा अपना बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन करा। अभी हम रात को पहुँचेंगे 11 बजे तक दिल्ली। मिलते हैं आपको दिल्ली आके। दिल्ली में हम अपने यार दोस्तों के साथ मिलेंगे, काफ़ी देर बाद रीयूनियन होगी। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोस्तों। दोस्तों, आप जब भी शताब्दी में जाते हैं तो आप थोड़ी देर बाद ही आपको टी आएगी, साथ में कुछ स्नैक्स आएंगे। इंजॉय करते हैं अपने स्नैक्स को एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अपना डिनर आ चुका है, तो अभी हमने लगी है भूख। तो जल्दी से अपना डिनर करते हैं एंड फिर कुछ ही देर बाद दोस्तों हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो ये अपनी ट्रेन थी शताब्दी एक्सप्रेस। अभी हम जा रहे हैं स्टेशन से बाहर को। अभी आगे की तरफ भीड़ बहुत है। अभी मैं थोड़ा बंद करता हूँ कैमरे को और बाहर जाके मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी हम यहाँ पे अपनी कैब बुक करेंगे जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे जाना है हमें। तो चलिए दोस्तों, कैब अपनी बुक करते हैं और पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये देखिए, हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा आगे की तरफ। अपनी कैब आगे की तरफ वेट कर रही है। ये देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही आपको पूरी वाइब्स आएंगी। आई लव दिल्ली। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपनी कैब लेने, हमारी कैब वेट कर रही होगी। तो दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं दिल्ली की सड़कों पे और हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे दिल्ली में। तो दोस्तों, आते हुए थोड़ा सा जाम भी मिला हमें रेलवे स्टेशन के पास एज यूजुअल। अभी हम जा रहे हैं अपने भाई के फ्लैट पे। हमारा भाई रहता है अर्जुन भाई वैशाली में। वैशाली में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम आज रात रुकेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ पे हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं जिनसे हम मिलने जा रहे हैं। आई होप जब आप उनको देखोगे तो आप पहचान जाओगे हम किन से मिलने आए हैं। ये सामने लिखा हुआ है, वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। चलिए दोस्तों, ग्रेटर नोएडा चलते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हैं कुछ। दोस्तों, अभी हम ग्रेटर नोएडा एंटर हो चुके हैं। मेरे सामने है होटल सरोवर पोर्टिको। अभी आप देख सकते हैं यार, बिल्डिंग्स कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है और सोसाइटी है। तो अभी हम दोस्तों चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ एंड मिलते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो दोस्तों,
ये हम अभी आए हैं गौर सिटी मॉल नोएडा में, एंड यहाँ पे हम किसी से मिलने वाले हैं, अपने एक दोस्त से। आई होप कि आप उनको देखते ही पहचान जाओगे कि वो कौन है। तो अभी आपको उतनी देर मॉल के नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों, मैं खुद भी इस मॉल में अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो यू कैन सी यार, बड़ा सोना मॉल है। तो बहुत ही अच्छा मॉल है, नाइस, इम्प्रेसिव। दोस्तों, फिर ये ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में तो मॉल सारे अच्छे अच्छे होंगे। सामने ये बच्चों का डांस रूम हो रहा है, आइए आपको छोटे छोटे बच्चों का ना डांस ही करते हैं, छोटे छोटे बच्चे डांस। तो दोस्तों, अभी हम हैं गौर सिटी मॉल में, तो ये हैं हमारे शिवपा जी साथ में। हेलो शिवपा जी। और ये हैं हमारे अनिरुद्ध भाई, रुद्र शूट वाले, रुद्र शूट वाले। और पाजी माता पिता नजारे ने, वो तो दोस्तों आज हम मिलने आए हैं नोएडा में, तो अभी हम जल्दी इनको पंजाब बुलाएंगे कि ये पंजाब आए, फिर पंजाब इनको घुमाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों, हमने अभी पेट पूजा कर ली है, तो ये हमारे शिवपा जी बैठे हुए हैं। भाजी का चश्मा टूट गया था, उन्होंने नया चश्मा लिया है, ठीक है, सलून से। भाजी अपने शौकीन है, पैसे की कमी नहीं है, डाटा वाले बंदे हैं, फिर माड़ी मोटी शामी है। तो दोस्तों, अभी हमने खा पी लिया है, तो बस इसके बाद एक दो दोस्तों से और मिलना है, फिर हम जाएंगे अपने घर को। मिलते हैं दोस्तों एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, अभी हैं हम सीपी में, तो यहाँ सीपी में द इम्पीरियल स्पाइस कैफे है, तो वहाँ से अभी हम अपना लंच करने आए हैं। जगह तो बहुत ही अच्छी है दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई ड्रिंक्स वाले भी हैं तो उनके लिए बार का सेक्शन भी अलग से बना हुआ है। तो वो भी हमने फूड ऑर्डर कर दिया हुआ है, तो वेट कर रहे हैं अपने फूड की। तो दोस्तों, ये अपना फूड आ चुका है, हमने अभी ट्राई करा थोड़ा सा, बहुत ही टेस्टी है फूड। तो दोस्तों, अभी हमारी बस रुकी है जाते टाइम ये शिवा ढाबा पे, तो अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया है हमने, तो यहाँ से खाने पीने का सामान लिया है, और अभी हम जा रहे हैं अपनी बस में। हमारी बस है सामने ही लक्ष्मी हॉलीडेज, ये वाली नहीं, ये वाली तो कहीं और जा रही है, ये वाली पटना जा रही है। ये रही आगे वाली बस ब्राउन कलर की, लक्ष्मी हॉलीडेज, ऊपर लिखा हुआ है बिजनेस क्लास टाइम। वाह, जूट की दुकान।